खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो क्या, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ और क्या। अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा। हाँ। और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। अरे कौन है भाई? देखो। अरे यार क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या समझेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा मेरे लिए सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए।
थैंक्स भगवान, आपने सिगरेट पीने का 2 मिनट का समय तो दिया। यह है करण सिंह, सन ऑफ शमशेर सिंह। ये सुनते सबकी है पर करते कुछ भी नहीं। इनकी जिंदगी का एक ही सपना है, बिना कुछ किए ऐश की जिंदगी जीऊं। ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं जो इनकी सारी जरूरतें पूरी करें। ये है इंस्पेक्टर लोखंडे, इनका हर अंदाज मजाकिया होता है। ये शायरी सुना सुनाकर अपने स्टाफ को खुश रखते हैं, केस छोटा हो या बड़ा अपने ढंग से ही निपटाते हैं। एक जमाना था, हम भी मस्ती में जीते थे, बेटा तुमसे ज्यादा सिगरेट पीते थे। मगर एक दिन हमारी इकलौती पत्नी ने बताया, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस उसी दिन से अपनी दिशा को मोड़ दिया, सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। सर मेरी बात तो सुनिए। यह है शमशेर सिंह, करण के पिताजी। गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कोई इनकी सुनता ही नहीं। यह है ज्योति सिंह, करण की मां। यह सुनाती सबको है पर सुनती किसी की नहीं। हां लेकिन जब बेटे की बात आती है तो। पापा मुझे 2,000 रुपये चाहिए। पापा मुझे लेट हो रहा है, प्लीज 2,000 रुपये दीजिए। बेटा ये ले। थैंक्स माँ। अच्छे से मजे करना। Bye. अच्छे से बाय बेटा। सिर्फ 2,000 ही क्यों? अभी अभी जो इंश्योरेंस के 50,000 रुपए आए हैं वो भी दे देती। अरे वो भी दे दूंगी, अगर मेरा बस चले ना तो ये पूरा घर ही उसके नाम लिख दूंगी। हाँ हाँ लुटाओ लुटाओ, ये सब तो तुम तुम्हारे बाप से दहेज में लेकर आई थी ना। ए बाप पे मत जाना। देखो अब एक बात बता, ये अंकल आंटी की जोर जोर से आवाज क्यों आ रही है? रॉकी चलना यार, ये इनका रोज का है। हाँ आपको देखा इसलिए तो चाय लेके आए। अरे इतना मस्त गर्मा गर्म चाय है, देखो देखो। इतना पियो क्या यार? अरे क्या करण भाई सब बढ़िया? कहाँ गायब थे इतने दिन से यार? कहाँ होंगे भाई, अपने ड्रीम गर्ल के सपने में खोए होंगे। मिली कि नहीं भाई? अभी तक तो नहीं, बट आई होप मिल जाएगी। अच्छा कॉन्फिडेंस है भाई। चलो चलो चलते कहीं एंजॉय करते। हाँ चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, एंजॉय करोगे हाँ? छोटा यार चलो यार, सो जा चुप बैठ, सो जा भाई। कल कल चल, पक्का कल पक्का चलो भाई, कल पक्का पैसे दे देना वरना। अरे मिल जाएगा पक्का। थैंक यू। वन व्हिस्की प्लीज। थैंक यू। हे आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? या आई एम ओके। ओ माय गॉड, आप बोल भी सकती हो?
मुझे तो लगा कि आप मेरी फादर की तरह। क्या आपके फादर गूंगे हैं? गूंगे तो नहीं है, पर उनको गूंगा घोषित किया जा सकता है। मींस कुछ कंजूस टाइप के, बोलने में भी कंजूसी करते। आप तो ऐसी नहीं है ना? अच्छी कंपनी मिलती है तो मैं सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती। बाय द वे, तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ओह शिट, करण एंड यू? टाइम आएगा तो बता दूंगी। लगता है कि हमारी आपकी खूब जमेगी। या ऑफ कोर्स। तेरी आंखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। तेरी आंखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। दिल चाहता है रूबरू मैं तेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू मैं तेरे जा, यहाँ कहीं नहीं कोई पीछे मुड़ जा। प्यार करूंगा तुझे जी भर के, जगह जगह के तुझे थका थका के। बेबी देर न कर साड़ी गल सुन जा। इन द नाइट चलेंगे बार, वहाँ करेंगे खुल के प्यार। घूमेंगे अपनी ओड़ी पे, जब तू कहेगी 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 हाँ तू कहेगी आई एम इन हैंगओवर। बड़ा मशहूर है, कमेंट ना सही लाइक करना तो जरूर है। फेसबुक प्रोफाइल तेरा बड़ा मशहूर है, कमेंट ना सही लाइक करना तो जरूर है। कह दे तो शेयर करूं रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू। अंग्रेजी वाली चाल जो तेरी मुझे समझ नहीं आती है, मैं ठहरा तेरा देसी बाबू इतना क्यों तड़पाती है। सुन तो जा मेरी बात तुरानी, चार दिन की तेरी जवानी, एक दिन किसको है डल जानी। प्यार के नए सौ तरीके, आजा सिखा दूं ओ मेरी रानी रानी रानी। रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू। तेरी आंखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। तेरी आंखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। दिल चाहता है रहूं रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू रूबरू मैं तेरे रूबरू। हेलो। हेलो, कैसी हो? फाइन, बट हु आर यू? बियर बार पार्टी शार्टी? ओह तुम, सॉरी उस दिन के लिए। इट्स ओके। वैसे कैसी लगी मेरी कंपनी? नॉट बैड। अच्छा तो फिर कब मिले? वेट वेट, इतनी जल्दी भी क्या है?
जल्दी तो मुझे, जब से मैंने आपको देखा बस ऐसा लग रहा है आप ही को देखता रह जाओ। बाय द वे तुम्हारा नाम भूल गया। सही में तुम बहुत भुलक्कड़ हो, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। ओ या, बट अब तो बता दो। अच्छा जनाब, नाम जानने के लिए इतने ही बेताब हैं तो खुद ही पता कर लीजिए। वो भी सिर्फ 24 घंटे का समय है आपके पास, 24 घंटे में मेरे सामने आके दिखा दो। चैलेंज 24 घंटे? अरे मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। मैडम सिर्फ आप सामने आने का इंतजार कीजिए। ओके बाय। बाय। हेलो रॉकी। हाँ बोल करण। अबे एक नंबर तुझे सेंड कर रहा हूँ, तू मुझे उसका डिटेल निकाल कर दे। बट नंबर है किसका और इतनी जल्दी भी क्या है? अबे मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू फटाफट मेरा काम कर यार। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जब देखो तब। ओ तो आपका नाम जिया है? जिया जी, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। क्यों भाई कहाँ जा रहे? जिया शर्मा का पार्सल आया। लाओ मुझे दो, मैं दे देगा। तुम्हें कैसे दे दूँ, पार्सल दूंगा तो उनकी सिग्नेचर लेनी पड़ेगी ना। ठीक है जाइए। आ रही हूँ बाबा। मैडम 24 घंटे में 5 मिनट बाकी है अभी। ओह तुम, प्लीज कम। बैठो। क्या लोगे, चाय या कॉफी? कॉफी। ओके मैं कॉफी लेके आती हूँ। करण वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जिया, ऐसे ही। कॉफी। थैंक्स। जिया मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जिया मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आई लव यू जिया। करण तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं कभी नहीं। उसको पैसे दे दे फिर चाय पीते हैं। अबे चंदू, चंदू चाय बना। चाय बना, चाय बना, चाय बना। रॉकी हमारा कोई पार्सल नहीं है। रॉकी अबे देख तो। हा? अरे अबे करण तू। अरे क्या करण भैया, नौकरी ढूंढ ली क्या? अरे वो सब छोड़, ये बता अभी तक तू था कहाँ? कहाँ होगा, ढूंढ रहा होगा अपने कोई ड्रीम गर्ल। अरे यार अब ड्रीम गर्ल खोजने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मीन्स? ये तू बोल रहा है तुझे जरूरत नहीं है? हाँ भाई अब ड्रीम गर्ल की खोज खत्म हो चुकी है। क्या आप बात कर रहा भाई, इसका मतलब तूने अपना सिक्का जमा ही दिया है। हाय नाम तो बता। जिया नाम है उसका। जिया? ओहो जिया, तेरे बिन जिया जाए ना। करण भाई इसी बात पे पार्टी तो बनती है। हाँ भाई पार्टी तो दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी? जब मेरे घर पर कोई नहीं रहेगा तब चलेगा। चलेगा चलेगा। ओके ओके डन डन चलेगा। पर
मेरे पैसे। चलो यार। अरे चल, यार चल हट। क्या यार पैसे पैसे जब देखो पैसा क्या रोता है। चल रुकी मेरा हाल तो देख। हाँ चल 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 चल। तीन चाय चंदू भाई। ए बक 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 चंदू भाई चल 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 चंदू भाई तीन चाय। यही पहले डायलॉग मारा था ना। नहीं प्लीज चंदू दे देना भाई। हेलो। हेलो। हाँ कहाँ हो करण? आपका काम हो जाएगा क्या? अरे मैं जिया बोल रही हूँ। हाँ टेंशन मत लो हो जाएगा। करण क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ टेंशन मत लो सब कुछ हो जाएगा। हाँ बोलो जिया। सॉरी यार सॉरी एक्चुअली ना मेरा बाप बाजू में बैठा था सो तुमसे मुझे ऐसी बात करनी पड़ी। कोई बात नहीं करण। अच्छा सुनो मैं चाहती हूँ कि कल हम साथ में कहीं बाहर जाएं और मैं ऑफिस में कल तुम्हारा वेट करूंगी। ओके कल आता हूँ। ओके बाय बाय। अजी सुनती हो चाय कहाँ है? ला रही हूँ बाबा। कितना हल्ला करते हो। मुझे चाय नहीं मिलती तो मैं हल्ला करता हूँ जानती हो ना। और कोई सब्जी नहीं मिलती मार्केट नहीं, में अच्छी है। क्या अच्छी? ये देखो खुद को पसंद है वो सब्जी बना लेती हूँ बस। चाय बहुत अच्छी लगी ना। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। बेटा इतनी सुबह सुबह बाहर कहाँ? माँ बिजनेस के सिलसिले से। अच्छा ठीक है जाओ आराम से जाना। हाँ हाँ जाओ ठीक है वरना करोड़ों का बिजनेस हाथ से निकल जाएगा। तुम हमेशा क्यों ऐसे बोलते रहते हो? और नहीं तो क्या? पता नहीं कौन सा करोड़ों का बिजनेस करने में लगा है। क्या? नहीं कुछ नहीं मैंने कहा कुछ बोला? अब मैं कहाँ कुछ बोल ही पाता हूँ। हाँ बेटा दोनों पूरा दिन। चल चल। अरे भाई लेकिन जाना कहाँ है? अरे जिया के ऑफिस पे। ओ भाभी जी के पास है। चल चल। हेलो। हाँ ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके मैं 2 मिनट में आई। ओके आ जाओ। हेलो। हाय ये रॉकी। हेलो हेलो रॉकी। करण मुझे थोड़ा काम है मैं आता हूँ बाद में ठीक है? ओके ओके बाय। चले जनाब आज कितने का कमाई किए? जब देखो तब। क्या है ये?
मेरे हीरे जैसे बेटे की टांग खींचने के पीछे पड़े रहते हैं। माँ बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ भाई, दो ही तो काम है इसके, एक तो खाना खाओ और दूसरा दिन भर लफंगों की तरह घूमो। पापा मैं लफंगों की तरह नहीं घूमता हूँ, देखना एक दिन बहुत जल्द करोड़पति बनूंगा। अच्छा, और एक और नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तू और बिजनेस? अरे बिजनेस भी इससे थककर हार मान लेगा, बिजनेस करेगा। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। करण और क्या जानते हो मेरे बारे में? तुमने अपनी पूरी पढ़ाई चेन्नई में की और वहाँ पे एक कंपनी में तुम जॉब करने लगी और तुम्हारे अच्छे काम की वजह से तुम्हें कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिया गया और तुम यहाँ पर रहने लगी और एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मम्मी और पापा की डेथ हो गई और तुम अपनी दादी के साथ रहने लगी। एक्चुअली तुम्हारी दादी कहीं दिखाई विखाई नहीं दे रही है, दादी है कहाँ? अरे दादी माँ यहाँ है। कैसे हो? खुश रहो बेटा, सुखी रहो। जिया ये दादी, ये करण है। अच्छा, धन्य है आपके माता पिता जिनकी ऐसी संतान है। हाँ दादी, करण ऐसा ही है, इन सब में ज्यादा विनय करता है। जिया आप लोग बैठो, चाय नाश्ता करो, मेरा पूजा का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है। और हाँ, मेरी चाय ऊपर भेज देना, बैठो। आके तेरी बाहों में जन्नत मिली है मुझको, ये जिस्म कह रहा है पालू मैं आज तुझको। आके तेरी बाहों में जन्नत मिली है मुझको, ये जिस्म कह रहा है पालू मैं आज तुझको। बेकरारियां सही ना जाए, हर तरफ नजर तू ही बस आए, मुझ में समा जा।
सी लगती है, आग सी लगी है दिल में, शम्मा बन के जलती है, दिल धड़क रहा है, सांसें रुकी सी लगती है, आग सी लगी है दिल में, शम्मा बन के जलती है। क्यों तेरी नजर झुकी सी जाए, कब तलक तू मुझसे यूं शर्माए, कहाँ आप लोग? बेटा, हम लोगों को अचानक तुम्हारे मामा के घर आना पड़ा। तुम्हारी नानी की तबीयत खराब हो गई, तो इमरजेंसी में हम लोगों को आना पड़ गया। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। ओके ओके, बाय बाय। हेलो रॉकी। हाँ बोल करण। एक काम कर, मेरे घर पर आ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे यार, पार्टी करते हैं। मम्मी पापा मामा के घर गए। क्या बात कर रहा है, मतलब आज पार्टी? मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी सबको आधे घंटे में लेके आता हूँ। ओके बाय, आ जा तू। ओके बाय। देखना ज्यादा मत पीना। करण। ओ समीर, कैसा है मेरे भाई? रॉकी भाई बोलो यार। बढ़िया है। वाह, सारी चीजें पहले से रेडी करके रखी है। हाँ। अरे वो सब बातें बाद में। हाँ। पहले पार्टी करते हैं। चलो चलो। हाँ भाई, आज तो मजा आ जाएगा। ठीक है। चीयर्स। भाई करण, एक चीज तो माननी पड़ेगी। क्या? जोरदार गर्लफ्रेंड पटाई है। हाँ भाई, सही बोला भाई। प्यार के साथ साथ तेरे शौक भी तो पूरे हो रहे हैं। अरे भाई वो सब छोड़ो, यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं। सही है। और जिनके पास है वो भी
करो के कंगाल हो चुके हैं। लेकिन करण कुछ भी हो भाई, तेरे को है ना ये सही बात, बोनस कितना मिली है भाई। सही भाई। अरे करण तरफ फोन आ रहा है। ओ बाबे चल चल चल, अबे 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 गिर जा। हेलो क्या यार, अरे करण फोन तो रिसीव करता तू, छोड़ना यार। अबे तेरी गर्लफ्रेंड जो है जिया। हाँ अरे जिया सिर्फ मेरी जरूरत चीजें पूरी करने के लिए है, और उसे मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। लेकिन तू तो उससे प्यार करता है ना। छोड़ना यार। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना। हाँ थी, मर्द। मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा सुरक्षित रख सके। हाँ? वो देखो वहाँ, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी कहा भैया। खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको। बोले दे रहा है। सिट जिया मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही, क्या करूं? हाँ उसके ऑफिस जाता हूँ। जिया कहाँ है? वो तो अपने केबिन में है।
जिया तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिया मुझे अभी बात करनी है तुमसे। क्यों आए हो यहाँ पे, क्या चाहिए तुम्हें? जिया तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैंने स्विच ऑफ किया। लेकिन क्यों? मेरा मोबाइल है, मैं स्विच ऑफ करूँ कुछ भी करूँ? जिया इतना भी हक नहीं है मेरा। किस हक की बात करते हो तुम? और क्यों हक दूँ मैं तुम्हें? इसलिए कि तुम मुझसे प्यार के नाम पे टाइम पास करते हो, या फिर इसलिए कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? जिया ऐसी कोई बात नहीं है। बस करो करण, सफाई देना बंद करो। कल रात जो भी तुमने बोला वो सब मैंने सुना। जिया सॉरी एक्चुअली। करण मुझे कुछ भी नहीं सुना है, और प्लीज आज के बाद मुझसे दूर रहना। जिया मेरी बात सुनो। जिया जिया अरे चंदू एक चाय देना। अरे करण इतना परेशान क्यों है? रॉकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिया ने उस रात की सारी बातें सुन ली, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तो सही है ना, तुझे तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़की चाहिए। और कौन लड़की तेरे से प्यार करेगी? बस तेरी तो सिर्फ जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तू उससे बात करना चाहता है, मान लो तू उससे बात भी करेगी, लेकिन तब भी तू नहीं सुधरेगा। तब भी तू वही कहेगा मुझे बस मेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हाँ रॉकी ऐसी कोई बात नहीं है, जिया से मुझे सही में सच्चा प्यार हो गया, और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। कुछ भी कर यार, प्लीज मुझे जिया से मिलना है। थैंक गॉड कम से कम इसे सच्चा प्यार तो हुआ। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक किस हक की बात करते हो तुम? और क्यों हक दूं मैं तुम्हें? इसलिए कि तुम मुझसे प्यार के नाम पे टाइम पास करते हो, या फिर इसलिए कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? जिया बोलो। जिया सॉरी करण, कल मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके। क्या तुम अभी मेरे घर पे मुझसे मिलने आ सकते हो प्लीज? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। दादी 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 ये क्या हुआ? जिया ये क्या हुआ दादी को? दादी को क्यों मारा तुमने? दादी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जिया ये क्या बोल रही हो? मैं आखिर दादी को क्यों मारूंगा? तुमने मारा मेरी दादी को। कोई जगह से हिलेगा नहीं। राधे श्याम सर अरेस्ट कर लो। यस सर। फिंगरप्रिंट ले लो, ब्लड टेस्ट के लिए भेज दो। जी सर। और तुम फोटोग्राफर को लेकर आओ। जयंती भाई। यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। बेचारी अम्मा कुछ दिन में तो वैसे ही ऊपर चली जाती, क्यों अपने खून से हाथ लाल किया? इंस्पेक्टर साहब ये खून मैंने नहीं किया। चुप। दुनिया का कौन सा मुजरिम है जो जुर्म करके कहे कि मैंने जुर्म किया है, रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भी इनकार करता है? जो भी है अब अदालत में बोलना। राधे श्याम यस सर लेकर जाओ। इंस्पेक्टर साहब ये खून मैंने नहीं किया।
ये खून मैंने नहीं किया। अब ये सब अदालत में बोलना बेटा। और तुम चिंता ना करो बेटा, कानून तुम्हारे साथ है। तुमको इंसाफ मिलेगा, थाने में आकर जयंती भाई को बयान लिखवा देना। जी। डार्लिंग, बकरा तो बुरी तरह से जाल में फंस गया। हाँ बेबी, फंस तो गया है, बट हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी होगी। अब तो देखते जाओ अपना प्लान कैसे सक्सेस होते जा रहा है। एक बार पूरा प्लान सक्सेस हो जाए फिर हम सीधा यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। आखिर में जिया के दादी का खून क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। जब कितना चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला कर मेरे दिमाग का दही कर दिया। कितना चिल्लाता है यार ये। लो आप ये हमें बताएगा कि निर्दोष कौन है। सुन, कल कोर्ट डिसीजन लेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हल्ला नहीं करना, चुप पड़ा रहे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। इसको 24 घंटे का समय चाहिए। मान लो मैंने तुझे अगर 24 घंटे के लिए यहाँ से छोड़ दिया तो तू फिर मुझे दौड़ाएगा। कितना दौड़ाता है यार, तू इंसान है या कसाई है, मिल्खा सिंह का भाई है? अरे यार, दौड़ा दौड़ा के मेरा दम भर दिया, 4 किलो वजन कम कर दिया। चुप, तेरा वजन कम कर दूंगा, ध्यान रखना इस पर। और ये ज्यादा चिल्लाए तो गला दबा देना। चुपचाप पड़ा रहे और तू यहीं खड़ा रहे। Bye.
एहसास जब ये हुआ तो सनम खुद से ही मैं शर्मिंदा हूँ, कुछ ना रहा जिंदगी में सनम, जाने क्यों फिर भी मैं जिंदा हूँ। तेरे आने की आहट महसूस होती है, तेरी यादों के साए से घिर रहा हूँ मैं, बेवफा हूँ मैं। अपना प्लान तो सक्सेस डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, अब हम करोड़पति बन गए तो अब हम शादी कर लें? इतनी जल्दी भी क्या है डार्लिंग, पैसे अकाउंट में आते ही हम सीधा यहाँ से थाईलैंड एंड वहाँ जाकर इन पैसों से एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे और शादी भी कर लेंगे डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, मैं कल ही पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती हूँ। तुम मेरी कितनी केयर करती हो। चंदू चाय वाला, गरम गरम चाय पी लो, मस्ती में जी लो। सर जी चाय। अरे वाह, चल बैठ। बस बस, मिश्रा जी चाय। हाँ दे दे। बोला ना चल बैठ। राधे श्याम भैया, गरमा गरम लाए हो ना। गरमा गरम चाय मस्त है, देखो पी लो, मजा आ जाएगा। सर जी चाय। हाँ पिला दे। सर जी पैसे। पैसे? अबे कैसे? पुलिस वालों से पैसे मांगता है? देख, अगर तू पुलिस वालों को फ्री में चाय पिलाएगा, अगर तू पुलिस वालों को फ्री में चाय पिलाएगा तो एक दिन चाय बेचते बेचते दिल्ली पहुंच जाएगा। ए बेटा, ज्यादा ऊपर मत जा, नहीं तो ऊपर ही चला जाएगा। एक बात बता, तेरे पास एक ही चश्मा है? नहीं नहीं, तीन है। कहाँ है दो? एक घर पे और एक दुकान में। अच्छा, एक घर पे एक दुकान पे। दुकान वाला क्या काम आता है मैं बताऊं? तू एक चश्मे से देखता होगा पत्ती कितनी डालूं, दूसरे से देखता होगा शक्कर कितनी डालूं, और तीसरे चश्मे से देखता होगा दूध में पानी कितना डालूं। नहीं नहीं सर। हाँ, घर के चश्मे है ना, उसके कांच जाड़ा है। अच्छा, घर वाले चश्मे का कांच मोटा है, उससे क्या करता है? उससे मैं पास का देखता हूँ। ओह, और दुकान का चश्मा? उसकी कांच पतली है। उसकी पतली, उससे क्या करता है? दूर का देखता हूँ। अच्छा, अब तूने पास का भी देख लिया, दूर का भी देख लिया, तो मेरे लाल ये तीसरा चश्मा क्या काम आता है? सर, इसी चश्मे से तो मैं देखता हूँ कि पास के कौन से है और दूर के कौन से है। उठा सर जी, बाय बाय। ऐ गरमा गरम चाय वाला। सुबह सुबह पकाने चले आते हैं। राधे श्याम। सर जी सलाम। गाड़ी निकालो। यस सर। और मिश्रा जी। जी सर। कोर्ट जाना है, उसको लेकर आओ ध्यान से, और आप मेरे साथ आओ। चलो बाहर निकल। नन्ना मुन्ना रही देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। राधे श्याम। सर जी सलाम। गाड़ी क्यों रोक दी? सर जी वहाँ कुछ हो रहा है। देश की बढ़ रही है आबादी, देश की बढ़ रही है आबादी, लगता है तेरे पिताजी की हो रही है शादी। अबे मेरे पिताजी तो एक ही करके निपट गए, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर पर वहाँ झगड़ा हो रहा है। झगड़ा?
तो फिर तुम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ रोको उन्हें। सर हम हैं पांच और वो इतने सारे, बहुत नाइंसाफी नहीं है? चुप। पटर पटर करता है, पुलिस वाला होके डरता है? अबे दुबला हो या तगड़ा, हमारे इलाके में झगड़ा? चल मेरे साथ आ, देता हूँ उनको एक रगड़ा। पहचान कौन? अबे जाबे, कॉमेडी का टाइम नहीं है मेरे पास, सीरियस झगड़ा चल रहा है, भाग। संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, और बड़े प्यार से बोलता है इंस्पेक्टर लोखंडे। अरे अरे सॉरी साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचाने का कैसे बेटा, जब हम बोलते हैं तो सब हो जाते हैं मौन, इसीलिए तो प्यार से बोलता हूँ पहचान कौन। अरे अरे ओके सर, मैंने आपको पहचान लिया, पर आप भागिए। मैं भागूं? क्यों भागूं? क्योंकि आपका कैदी भाग रहा है। कहाँ? वहाँ। अच्छा, कैदी भाग रहा है। राधे श्याम। सर जी सलाम। सोई हुई नींद से जागो, वो अकेला भाग रहा है, तुम मेरे साथ भागो। थैंक्स भगवान, आपने सिगरेट पीने का 2 मिनट का समय तो दिया। एक जमाना था, हम भी मस्ती में जीते थे, बेटा तुमसे ज्यादा सिगरेट पीते थे। मगर एक दिन हमारी इकलौती पत्नी ने बताया, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस उसी दिन से अपनी दिशा को मोड़ दिया, सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। ठीक है, 24 घंटे का समय दिया।
हेलो, मे आई टॉक टू जिया शर्मा? हाँ सर, जिया शर्मा की दादी के इंश्योरेंस के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। ओके थैंक यू। You were so romantic. हेलो, इतनी जल्दी भी क्या है उड़ने की? Who are you? कौन हो तुम? भूल गई, तुम्हारा आशिक दीवाना। ओ तुम? हाँ मैं, एक ऑफर है तुम्हारे लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऑफर में। इतनी जल्दी भी क्या है, एक बार सुनो तो सही। बोलो। अगर तुम्हें तुम्हारे 2,000 करोड़ रुपए बचाने हैं तो मुझे सिर्फ 500 करोड़ रुपया देने होंगे। कौन से 2,000 करोड़? अरे इतनी अनजान भी मत बनो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सिर्फ तुम 2 घंटे के अंदर स्वाति कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के नीचे मिलोगी। हाँ और याद रखना, तुम्हारे आशिक को मत बुलाना, तुम्हें पता है ना मुझे बुरा लग जाएगा। और अगर मैं नहीं आई तो? ज्यादा नहीं, तुम्हारे पूरे 2,000 करोड़ रुपए सीधा इनकम टैक्स ऑफिस में काउंट होते मिलेगी। ओके मैं आती हूँ। मानना पड़ेगा जिया तुमको, तुम टाइम की बहुत पक्की हो। जिया तुम टाइम की बहुत पक्की हो। काम की बात करो। काम की बात ये है, जो 500 करोड़ रुपए वो दे दो। तुझे क्या लगा मैं 500 करोड़ तुझे इतनी आसानी से दे दूंगी? अरे इसी पैसे के लिए तो मैंने अपनी दादी को मार दिया। जिया तुमने अपनी दादी का खून कर दिया? हाँ, अब इतना जान गया तो ये भी जान ले कि कैसे मारा।
लेकिन क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। अगर वो बुढ़िया मरती तो वो 2000 करोड़ मेरे होते, इसलिए मार दिया। तो जिया, हम दोनों के बीच में जो प्यार था वो क्या था? वो सब एक नाटक था। मुझे एक ऐसे सीधे साधे बंदे की तलाश थी जिस पर मैं दादी के खून का इल्जाम लगा सकूं। और रही प्यार की बात, तो मैं अभय से करती हूँ जो मेरी कंपनी का बॉस है। आइए इंस्पेक्टर साहब। आ जाओ इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए मेरे बेगुनाही का सबूत। बस करण, इतना सबूत काफी है किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। लोग दौलत की लालच में अंधे हो जाते हैं। जिस औरत ने इसे माँ बाप का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, उस देवी को मौत के घाट उतार दिया तुमने। शर्म नहीं आई? क्यों किया ऐसा? और याद रखना जिया, रिश्ते दौलत से नहीं खरीदे जाते। ये तो ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है जिसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। मुजरिम कितना भी होशियार हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। और अगर यहाँ की अदालत से बच भी गया तो वहाँ की अदालत से बच नहीं सकता। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब, अभी मैं जा सकता हूँ? हाँ करण, तुम जा सकते हो। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, वेल डन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। राधे श्याम। सर जी सलाम। पैसे अपने कब्जे में लो। सुनीता, अरेस्ट कर yes, लो। सर। चलो। हाँ आ रहा हूं। ओ मॉम, अच्छा मम्मी पापा आप लोग 2 दिन पहले आने वाले थे ना? अरे हाँ बेटा, लेकिन तेरी नानी जबरदस्ती करने लगी। अच्छा, वो आने नहीं दे रही थी तो हमने सोचा कि चलो एक दिन और रुक जाते हैं। चलो। अच्छा माँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। देखा, फिर से शुरू हो गए महाशय। अभी तो हम घर में आए भी नहीं और जनाब चले बाहर। अरे अरे मेरी बात तो सुन। कमाल है, चलिए। हट हट हट। ठीक है, ये भी ठीक है। पांचों को पीसी में भेज दो। ये एसपी साहब को भेज देना। इंस्पेक्टर, जिया कहाँ है? मुझे जिया से मिलना है। जिया से मिलना है? जिया से मिलना है? जयंती भाई, इनको जिया से मिलना है। जिया कहाँ है? जिया बेकरार है, छाई हुई बहार है, आजा मोरे बालुमा तेरा इंतजार है। नाचता है, अब सब मौन। मिस्टर आप कौन? मैं जिया का बॉस हूँ और जिया मेरे एम्प्लॉय है। ओ, गजब के बॉस हैं आप। क्या ट्रेनिंग दी है जिया को? ऐसी बढ़िया शूटर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पैसों के लिए अपनों को ही निपटा दी। अब है। अरे जिया। जयंती भाई इधर आओ। यस सर। मुझे तो लगता है ये यहाँ से गया तो फिर वापस नहीं लौटेगा। इस पर नजर रखना। यस सर। अब है। जिया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ घुटनसी हो रही है। डोंट माइंड बेबी, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया है। बस 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो।
क्या हो रहा है ये सब? ये क्यों रो रहा है? सर, इसकी गर्लफ्रेंड तो चली गई दूसरे के साथ। प्रेमिका भाग गई, मेरे साथ इसकी भी किस्मत जाग गई। लो आज इसकी भी प्रेमिका भाग गई। जयंती भाई इधर आइए। जी सर। देखो ये एक तो पुलिस वाले हैं, सारे पुलिस वाले ड्यूटी पर जाते हैं। ये पेड़ के नीचे बैठ के तोता तोती प्रेमी प्रेमिका खेलता है। इन्हीं लोगों ने डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। चुप खड़ा रहे, ईमानदारी से ड्यूटी करो और ये सब मत करो। जयंती भाई, मुझे तो दो लाइन याद आती इसको देखकर। सुनाइए सर प्लीज। हाँ सुनिए। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पे दिल तोड़ देती हैं। वाह 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 वाह। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पे दिल तोड़ देती हैं। नया मिलता है तो पुराना छोड़ देती। वाह सर वाह वाह वाह। चुप। ईमानदारी से नौकरी करो, ज्यादा है तो शादी करो, घर आबाद करो, मगर ऐसे लफड़े नहीं करना। और सुनो, सब ध्यान से ड्यूटी पर रहना। प्रेमिका मिलने, एसपी साहब मिलने आ रहे हैं। अच्छा सर। जी सर। जिया, तरस आ रहा है तुम पर। किसका इंतजार कर रही हो? अपनी आशिक का, जो तुम्हें छोड़ के चला गया? अब क्या करोगी जिया? ऐसा नहीं हो सकता करण, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो करण, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज करण। जिया, तुम्हें एक आइडिया बताऊं? इन सलाखों की सलिया है ना, इसे तुम गिनती रहो। करण, करण। ये कौन पागल है यार? अबे ओए, सुनाई नहीं देता क्या? बीच रास्ते में इस तरह आग जलाकर बैठने का क्या मतलब है? बगैर मतलब के तो माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, और तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है पैसे लेकर जाने की? कौन है तू? ओ, तुम? सही कहा तुमने, बगैर मतलब के माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, पर मैं तुम्हें गोली जरूर खिलाऊंगा। टिकट दबाने से पहले बुलेट तो चेक कर ले।
अब कहाँ भागेगा? तेरे पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। करण, मुझे मत मार। मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? मत मारना भाई, तुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तुझे। ये ले, ये ले, गाड़ी की चाबी ले, सारे पैसे गाड़ी में है, मुझे छोड़ दे। अब तो ये रख लेता हूँ, अब जा, तुझे छोड़ दिया। बच गया। में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुनूर है। तेरी आँखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुनूर है। दिल चाहता है रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू। मेरे पास तो आ निकल सुन जा, यहाँ कहीं नहीं कोई पीछे मुड़ जा। प्यार करूंगा तुझे जी भर के, जगा जगा के तुझे थका थका के। बेबी देर न कर साड़ी गल सुन जा। इन द नाइट चलेंगे बार, वहाँ करेंगे खुल के प्यार, घूमेंगे अपनी ओड़ी पे। जब तू कहेगी 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 हाँ, तू कहेगी आई एम इन हैंगओवर। मशहूर है, कमेंट ना सही लाइक करना तो जरूर है। फेसबुक प्रोफाइल तेरा बड़ा मशहूर है, कमेंट ना सही लाइक करना तो जरूर है। कह दे तो शेयर करूं, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू। अंग्रेजी वाली चाल जो तेरी मुझे समझ नहीं आती है, मैं ठहरा तेरा देसी बाबू इतना क्यों तड़पाती है। सुन तो जा मेरी बात तुरानी, चार दिन की तेरी जवानी, एक दिन किसको है डल जानी। प्यार करने में सो तरीके, आजा सिखा दूं वो मेरी रानी, रानी रानी। रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू, रूबरू मैं तेरे रूबरू। तेरी आँखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। तेरी आँखों में कोई नशा तो जरूर है, तभी तो छाया दिल पे तेरा ही सुरूर है। दिल चाहता है रहूं रूबरू मैं तेरे रूबरू।